सहारा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहां भयंकर गर्मी के साथ तेज और तपती हवाएं इसे और भी खतरनाक बना देती हैं। आपको बता दें कि सहारा में पूरे साल में केवल 2 से 10 इंच तक की बारिश होती है, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ पानी और पेड़ पौधे बेहद कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे यहाँ जीवन का पनपना काफी मुश्किल लगता है। मगर नेचर के लिए वह चीजें जो हमें मुश्किल लगती हैं, बेहद आसान होती हैं। आज हम उन जानवरों के बारे में बात करेंगे जो इस विशाल रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुतुरमुर्ग। अगर सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले पक्षियों की बात की जाए और उसमें शुतुरमुर्ग का जिक्र न हो तो यह संभव नहीं है। शुतुरमुर्ग को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई 2.5 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है और इसका वजन 70 से 150 किलो तक होता है। इसके भारी भरकम शरीर के साथ ही इसके अंडे भी काफी बड़े होते हैं, जिनका वजन लगभग 2 किलो तक होता है। रेगिस्तान में पानी की कमी की वजह से ये पक्षी सुबह और शाम के वक्त पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस समय पत्तियों में नमी होती है। ये पक्षी लंबे समय तक बिना पानी के भी जिंदा रह सकते हैं। शुतुरमुर्ग अपनी जोरदार लातों से किसी को भी घायल कर सकते हैं और अपनी मजबूत टांगों की बदौलत 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हालांकि ये पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन उनकी तेज दौड़ने की क्षमता इस कमी को पूरा कर देती है। डेजर्ट मॉनिटर। मॉनिटर्स की कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें से एक है डेजर्ट मॉनिटर। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। इनकी त्वचा इन्हें रेगिस्तान की गर्मी में ढलने में मदद करती है और इनके शरीर में पाई जाने वाली विशेष ग्रंथियां पानी की कमी को सहने में मदद करती हैं। ये मॉनिटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय कर सकते हैं। दिन के समय यह सक्रिय रहते हैं और अपनी जीभ की मदद से शिकार की गंध का पता लगाते हैं। फेनेक फॉक्स। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली फेनेक फॉक्स दुनिया की सबसे छोटी फॉक्स मानी जाती है। इसकी पहचान इसके बड़े कानों से होती है। यह फॉक्स छोटे कीड़े मकोड़े, छिपकलियां और पक्षियों के अंडे खाना पसंद करती है। इसके अलावा यह फॉक्स फलों और पौधों की पत्तियां भी खा सकती है। इसकी लंबाई 2 से 3 फीट तक होती है और इसका वजन 2.7 किलो तक हो सकता है। यह 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, लेकिन फिर भी अक्सर बड़े शिकारी जैसे हाइना और जैकल इसका शिकार कर लेते हैं। एडैक्स एंटीलोप। यह एंटीलोप सहारा रेगिस्तान में पाई जाती है और यह विलुप्त होने की कगार पर है। इनकी संख्या 500 से भी कम है। इनके सींग पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं और लंबाई में 80 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। इनके पैरों के नीचे के बड़े हिस्से की वजह से ये रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं। यह एंटीलोप सुबह और शाम के समय एक्टिव होते हैं, क्योंकि तब स्वाहम ठंडा रहता है। सैंड गजेल। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली सैंड गजेल दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे छोटे हिरणों में से एक मानी जाती है। इसकी लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इसका वजन 15 से 20 किलो तक होता है। यह गजेल पेड़ पौधों के साथ साथ फूल भी खाती है और पानी की कमी की वजह से नमी वाले फूल पत्तियां खाना पसंद करती है। ड्रोमेडरी ऊंट। सहारा रेगिस्तान के जहाज के रूप में जाने जाने वाले ड्रोमेडरी ऊंट 10 से 11 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 400 से 600 किलो तक हो सकता है। ये ऊंट सूखे और बंजर रेगिस्तान में एक दिन में 32 किलोमीटर से भी ज्यादा चल सकते हैं और बिना खाए पिए हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि इन्हें मांस के लिए शिकार भी बनाया जाता है। सहारा टॉर्टॉइज। सहारा टॉर्टॉइज पानी के बिना 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। यह कछुआ 4 से 6 इंच तक बढ़ सकता है और इसका वजन 2 से 5 किलो तक हो सकता है। इसे घास और पत्तियां खाना पसंद है। तो दोस्तों, ये थे सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ अनोखे क्रिएचर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।